हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, गूगल शीट सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है गूगल शीट की। गूगल शीट में खासियत क्या सीखने वाले हैं आइए आपको बताता हूं। यहां पर देख सकते हैं ये नेम ऑफ स्टूडेंट दिया गया है, ये फ्रेंड्स नेम है, ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और ये इनके फ्रेंड के नाम है तो ये दिया गया है, और ये स्टूडेंट के नाम है, ठीक है। अब ये इनके फ्रेंड है और ये इनके डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर क्या किया है मैंने डिस्ट्रिक्ट और ये पहली दूसरी ये जो है ना इसको कॉपी किया है और यहां पेस्ट कर दिया है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ई काउंट एक फॉर्मूला कैसे यूज किया जाए और इससे क्या यूज है, क्या फायदा है। तो यहां पर देख सकते हैं कि राम जो है देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा सुरेश भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके दोस्त का नाम दीपेश है। महेश भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके दोस्त का नाम मनोज है। दिनेश भी देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके दोस्त का नाम अजय है। तो ये सारे लोग देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। तो देवरिया डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं, 1 2 3 4, चार लोग हैं, ठीक है। चलिए आइए डी काउंट फॉर्मूला लगाते हैं। यहाँ पर लिखा मैंने डी काउंट ए, ये कुछ इस तरीके से ब्रैकेट को ओपन कर दिया। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद ये पूरा डेटाबेस आपको कर जाना है, ये पूरा ही डेटाबेस करना है सेलेक्ट, लाइक बी कम लाइक बी जैन, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहां पर लगा दीजिए कॉमा। इसके बाद डबल एडेड कॉमा में मैं क्या करता हूं, डिस्ट्रिक्ट लिख लेता हूं। ये जो डिस्ट्रिक्ट है ना, इसी को लिखना है आपको डबल एडेड कॉमा में। तो डबल एडेड कॉमा में लिख लीजिए डिस्ट्रिक्ट, इस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लिखिए। और डिस्ट्रिक्ट लिखने के बाद आपको क्या करना है, डबल एडेड कॉमा को क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद क्या करना है, कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो कॉपी करके मैंने पेस्ट किया, इसी को कर लीजिए सेलेक्ट। इन दोनों को जैसे ही सेलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आंसर आ रहा है 4। यानी कि किसकी बात हो रही है, देवरिया की बात हो रही है, यहाँ आंसर 4 आ रहा है। अगर हम लखनऊ यहाँ पर चेंज कर देते हैं, ये देखिए ये डेटा मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ क्या कर देता हूँ, LUCKNOW यानी लखनऊ कर देता हूँ। तो जैसे ही लखनऊ किया मैंने, यहाँ 2 आ गया। आइए देखते हैं लखनऊ से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक ये है, इसको मैं डिफरेंट कलर प्रोवाइड करता हूँ। और तो है लखनऊ से, ये देखिए ये यहाँ पर है। तो ये दो ही लोग हैं ऐसे जो लखनऊ से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे 2 आ गए। ओके, आई होप की बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर डेटा फिर चेंज करता हूँ, इस बार क्या करते हैं हम, इस बार कर देते हैं जोधपुर, ठीक है। जोधपुर से कितने लोग बिलोंग करते हैं वो नंबर यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जोधपुर, ये गलती लिख गया है यहाँ पे, इसीलिए नहीं आ रहा है, ये पी छूट गया, आप टी लिख दीजिए, एंटर कर दीजिए। अब यहाँ 3 आ गया है, 1 आ गया है, ठीक है। तो 1 आ गया यानी कि एक ही लोग हैं जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं, तो वो कौन है, तो यहाँ पे देखिए ये संजू है जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं। और ये यहाँ पे देख लीजिए, इसको एक डिफरेंट कलर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये कुछ इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो डी काउंट ए फॉर्मूला है ये गूगल शीट पर कैसे यूज होगा। आप इसको एक्सेल में भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।